हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास वन कंप्यूटर के चैप्टर फोर कंप्यूटर्स कीबोर्ड के जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। देखो, हम कल नंबर थ्री डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम नंबर फोर का आंसर डिस्कस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पेज नंबर है 36। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नंबर ए, डिफाइन कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हमको लिखना है, कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस एंड यूज्ड फॉर टाइपिंग डाटा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्शन किया जाता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है एंड यूज्ड फॉर टाइपिंग डाटा, और कुछ टाइपिंग डाटा टाइपिंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस एंड यूज्ड फॉर टाइपिंग डाटा। देन नंबर बी, व्हाट आर कीज नेम एनी टू टाइप्स ऑफ कीज। की क्या होता है और दो प्रकार के की का नाम हमको लिखना है। तो इसका आंसर होगा, कीबोर्ड हैज मैनी स्मॉल बटन्स व्हिच आर कॉल्ड कीज। कीबोर्ड में जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं उसको की कहा जाता है। एंड दो प्रकार के की हैं, एक है अल्फ़ाबेट कीज एंड दूसरा है नंबर कीज। जो अल्फ़ाबेट की, जो ए टू जेड अल्फ़ाबेट होते हैं 26 अल्फ़ाबेट, एंड नंबर की 0 to 9 जो नंबर होते हैं, वो दोनों हैं एक एक की। देन नंबर सी, व्हाट डू यू नो अबाउट स्पेशल की। स्पेशल की के बारे में आप क्या जानते हो, या स्पेशल की क्या है। स्पेशल कीज आर सोम कीज ऑन द कीबोर्ड दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल की है जो कीबोर्ड में स्पेशल फंक्शंस, उसका कार्य स्पेशल होता है, उसको स्पेशल की कहा जाता है। स्पेशल कीज आर सोम कीज ऑन द कीबोर्ड दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। ठीक है, देन नंबर डी, डिफरेंटाइट बिटवीन एंटर की एंड बैकस्पेस की। एंटर की एंड बैकस्पेस की के बिटवीन क्या डिफरेंस है। एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, एंड बैकस्पेस की इज यूज टू इरेज द लेटर्स वन बाय वन लेफ्ट टू द कर्सर। इसका मतलब है, जो कर्सर दिखाई देता है कंप्यूटर के मॉनिटर पर, उस कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए एंटर की का यूज किया जाता है। एंड बैकस्पेस की को कोई भी लेटर या कोई भी वर्ड गलत हो जाने से उसको मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, बैकस्पेस की का यूज करते हैं। तो एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, एंड बैकस्पेस की इज यूज टू इरेज द लेटर्स वन बाय वन लेफ्ट टू द कर्सर। ठीक है, तो आप इसका आंसर ऐसे ही अपने अपने बुक में लिख देना और इसको समझना। थैंक यू।